लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, महाराज भगवान का एक नाम है भिक्षु वर, और भिक्षु वर अवतार की कथा कल चल रही थी। भगवान शंकर जब सत्यारथ के मर जाने के बाद उसकी धर्म पत्नी गर्भ से थी और वह धर्म पत्नी भी बच्चे को जन्म देकर घाट पर छोड़कर जब पानी पीने के लिए गई तो घड़ियाल ने, मगर ने उसको पकड़ लिया और वो धर्म पत्नी भी मर गई। पार्वती जी के मन में संशय आ गया था, पार्वती जी के मन में संशय प्रकट हो गया था कि ये शंकर भगवान की उपासना करता है, ये शिव का भजन करता है, राजा सत्यारथ शंकर भगवान को जल चढ़ाता है, राजा सत्यारथ भगवान शंकर की आराधना करता है, शिव की आराधना करता है, उसके बाद भी इसके प्राण छूट गए, इसकी धर्म पत्नी वो भी भगवत भजन में डूबी रहती है उसके प्राण छूट गए, इसकी राज सत्ता चली गई, उसका वैभव चले गया, उसका बच्चा नदी के घाट पर पड़ा हुआ है। शिव जी के सामने प्रश्न का अंबार था, भगवान शंकर के सामने ढेर प्रश्न थे। शिव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, भरोसे पर, दृढ़ता पर जीता है। दुनिया कुछ भी कहे, वो अपनी भरोसा, अपनी दृढ़ता शंकर के चरणों में रखता है, शिव के चरण। पार्वती, तुमने राजा सत्यारथ का जीवन देखा है, तुमने राजा सत्यारथ के लिए, तुम कह रही हो कि राजा सत्यारथ पूजन करता था, पाठ करता था, अर्चना करता था, शंकर को जल चढ़ाता था, शिवालय जाता था, और उसकी धर्म पत्नी भी जल चढ़ाती थी, शिवालय जाती थी, उसका बच्चा पड़ा हुआ है, उसका पूरा वैभव चले गया, शंकर की आराधना करने वाले को इतना कष्ट होगा, शिव की आराधना करने वाले को इतना दर्द होगा, शंकर की आराधना करने वाले को इतना दुख होगा, ये तो होना नहीं चाहिए था, ये दुख कैसे आया? ये कष्ट कैसे आया, ये तकलीफ कैसे आई? शिव जी ने कहा, पार्वती चल मैं तुझे घुमा के लाऊं, और घुमाया जलाशय में। पार्वती जी को पूरी लीला का दर्शन करा दिया कि पूर्व समय के भोग के कारण, पूर्व समय के दूसरे का सामान ले लिया था, दूसरे के घर पर आक्रमण कर दिया था, दूसरे का वैभव चुरा लिया था, दूसरे का धन चुरा लिया था, दूसरे की सत्ता चुरा ली थी, इसलिए इस जन्म में भले मेरा भजन करा इसने, मुझ पर जल चढ़ाया इसने, मेरी आराधना करी इसने, पर पूर्व कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में कहे, तुम वेद पुराण को मानो ना मानो, तुम धर्म शास्त्र को मानो ना मानो, तुम अपने बड़ों को मानो ना मानो, तुम अपने गुरु को मानो ना मानो, पर इतना जरूर मानकर चलना कि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो अपन तो मनुष्य हैं, भोगना पड़ता ही है, पड़ेगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बेड़िया में दुख नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बेड़िया में ऐसा काम कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा। दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि पूर्व के कष्ट का, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है, वो कौन भोगेगा? तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माता भी होगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बंधु भी होंगे, बहनें भी होंगी, उनके सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे,
पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते। कर्म का भोग तो तुझे अकेले ही भोगना है। तब वो परमात्मा भी कहेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वो भी कहेगा कि होगा क्या, क्या कर्म करेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमें भोगना है, हमें। महाराज कर्म का भोग तो भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती सत्यरथ को कर्म का भोग भोगना था, पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चले गया। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका यह कर्म चले गया। तो फिर आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का, उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है और यह हम सबके लिए है आज शिवरात्रि के दिन, कि दुनिया के लोग कहेंगे फिर वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ? तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर चोरी कर धन लाया, चोरी करेगा। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, एक बीता का दिया तो एक बीता का, दो बीता का दिया तो दो बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट भरने के, पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था, देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी, भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहाँ खड़ी हो गई, जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि कब भ्रष्ट हुई, जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया, मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहां से लाएगा, तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। जल चढ़ाने का फल क्या है, शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो, शंकर जी के मंदिर में चोरी कर का धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया, आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था, और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी माँ का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। मत्स्य रथ क्यों चला गया, उसकी पत्नी क्यों चली गई? शंकर भगवान ने कहा यह कर्म का भोग था, कर्म का भोग, कर्म का भोग था महाराज। फिर
लोटा भर जल चढ़ाने का फल क्या मिला इस सत्यरथ को? अब शिव जी ने कहा, सुन पार्वती, लोटा भर के जल चढ़ाने का फल क्या मिला? उसका फल ये है, अगर ये नारी गर्व से होती, पानी पीने जाती और घड़ियाल इसको मार देता, तो इसके घर में दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, इसका पूरा वंश मिट जाता। इसके बच्चे का जन्म पहले करवाया, बच्चे का जन्म पहले करवाकर घाट पर सुलवाया, पानी पीने ही अकेली गई, इसको मगर ने पकड़ लिया, इसके बच्चे को संभाल कर रखा, क्योंकि इसने जो जल चढ़ाया था उस जल का फल ये मिलेगा कि इसके बच्चे को वापस वही वैभव फिर प्राप्त होगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता रखना पड़ेगी, थोड़ी आनंदता रखना पड़ेगी, थोड़ी सहजता रखना पड़ेगी। क्या देगा वो उसके ऊपर। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल क्या फल देता है, आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल आपको क्या प्रदान करता है, ये आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो लोटा भर के जल चढ़ाया था उसका फल क्या मिला है, उसका आनंद क्या मिला है, उसका सुख क्या मिला है। शिव की कथा करें, पार्वती अभी तुमने देखा कि सत्यारथ चले गया, अभी तुमने देखा कि उसकी धर्मपत्नी चली गई, अभी तुमने देखा कि उसका सारा वैभव चले गया, अब तुम पूछ रही हो कि शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल क्या है। अब मैं वो फल का दर्शन तुम्हें करा रहा हूं। और पार्वती अब तुम रुको, इतने में माता पार्वती के सामने भगवान शंकर ने एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण करा, और भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव, भिक्षुक बनकर मेरा शंकर, भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव उस नदी के घाट पर पहुंच गए जहां पर राजा की धर्म पत्नी ने अपने बच्चे को जन्म दिया था, उस घाट पर पहुंच गए। अब देखिएगा जरा एक लोटा जल का महत्व। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल का महत्व। देखिए धर्म पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था, उस बच्चे को भगवान शंकर भिक्षुक बनकर, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण कर उस बच्चे को गोदी में उठा लिए। एक नारी दूसरे घाट पर कपड़े धो रही थी, शिवजी उस बच्चे को लेकर उस नारी के पास पहुंच गए। अब एक लोटे जल का महत्व देख लीजिए। उस नारी के पास पहुंच गए मेरे भोलेनाथ, और मेरे देवाधिदेव महादेव जब उस नारी के पास में पहुंचे, मेरे देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाकर कहा, माता माता माता। इतने में कपड़े धो रही उस नारी, कपड़े धो रही उस नारी ने जैसे ही आवाज सुनी, वस्त्र का जल धोते ही नदी के अंदर जो कपड़ा था उसने देखा, देखते से ही वो जल मेरे महादेव के ऊपर जाकर पड़ गया। हे शिव, ये आपकी कृपा है। अब जल कौन सा पड़ा भोलेनाथ जी पे, जल कौन सा पड़ा था? जो कपड़े धो रही थी वो बूढ़ी मां, और शिवजी बनकर गए भिक्षुवर, भिक्षा मांगने वाले, एक भिक्षुक बनकर एक भिखारी का रूप धर कर गए हैं मेरे भोलेनाथ, और जाकर खड़े हुए। अब देखिए जरा बड़ा विचित्र बात है, शिवजी जाकर खड़े हुए, मां मां मां, शंकर जी ने आवाज लगाया। जैसे ही शिव जी ने आवाज लगाया, बूढ़ी मां ने जो पलटा, कपड़े का छींटा का पानी देवाधिदेव महादेव पर चला गया, कपड़े के छींटे का पानी महादेव पर गया। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, शंकर जी बहुत मुस्कुराए, पार्वती जी ऊपर से देख रही, गजब की लीला कर रहे हो महाराज, आज तो भिखारी का रूप रख लिया तुमने भिक्षुक का। शंकर भगवान बोले, जैसा रूप रखा है वैसा जल भी चढ़ा है। शिव जी बोले कि जैसा रूप रखा है ना वैसा जल भी चढ़ा है, ये जल कोई साधारण है क्या?
आशीष से किसी ने कहा कल कि गुरुजी कथा कहते हैं, हमारे पास में जो पड़ोसन बैठती है वो बड़े ध्यान से सुनती और ऐसी खो जाती लन होती है। तो आशीष ने पूछ लिया, 1 2 3 4 5 जैसे ये लाइन से ऐसे 5 खंबे हैं, ऐसे पीछे से 5वें 6ठे खंबे की बात होगी, ठीक है। अब वो कहे भोजन करते करते बोली कि हम वहाँ बैठे हैं उस पंडाल में हमारा ये खंबे के पास। अच्छा कितनी चतुर हो तुम लोग, खंबा तक गिन के बैठी हो, ये तुम्हारी विद्वत्ता है, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारी विद्वत्ता है। आज एक माता जब दिखी आरती के समय पर, जब हम आरती कर कर आ रहे थे, तो खंबे में उसका जो तिलक था वो यहां से लाल कलर का ऐसा था और दो पीले कलर का ऐसा था। तो हम थोड़ी देर रुक कर पूछ लिए, ये ऐसा क्यों है? कहने लगे कथा में बहुत सारे लोग खो रहे हैं तो हम सब ने डिजाइन ऐसी बना ली है, सभी की डिजाइन एक जैसी, कहीं तो मिलेंगे और ऐसे ही मिलेंगे। बस अपनी भी डिजाइन ऐसी ही है, जितने कथा सुनने आए हो ना, ये कहीं नहीं मिलोगे, कैलाश बाबा के दरवाजे पर, कैलाश अधिपति पर जरूर मिलोगे, ये निश्चित है, वो बुलाएगा महाराज। आप भिक्षुक बन गए, आप भिखारी का रूप ले लिए। शिव जी बोले, अपने भक्त के उद्धार के लिए एक लोटा जल जो चढ़ाया था उसके पिता ने, एक लोटा जल जो उसकी माता ने चढ़ाया था, सारा वैभव उसका चले गया था, अब कोई बात नहीं, उस जल का कर मुझे चुकाना है, जल का कर मैं चुकाऊंगा। क्या दिया? अब भगवान शिव जी ने कह दिया, देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, मां भिक्षाम दे, इतने में तो बुढ़िया को आ गया गुस्सा। अब शंकर भगवान ने भी जो रूप रखा था वो भी बूढ़े का रूप रखा था, बुजुर्ग का रूप रखा था, तो अब बुढ़िया को आया गुस्सा और बुढ़िया ने पलट कर, पहले तो वो छींटा दे दिया, पलट के बोली, तेरी अपनी भी तो उम्र देख ले। अब महादेव तो महादेव, खूब मुस्कुराए, हंसे, प्रसन्न हुए, क्योंकि शंकर का जो भक्त होता है वो बड़ा भोला होता, बड़ा भोला। शिव जी ने देखा, मेरा ओघड़ी मेरा भोलेनाथ, भिक्षु बनकर आया, भिक्षुक बनकर आया मेरा भोलेनाथ, और भिक्षुक बनकर मेरा विश्वनाथ जब सामने आकर खड़ा हो गया। मां, मां कहती है क्या बात है बाबा? मां ने कहा, पूछा, शंकर भगवान बोले, इस बच्चे को मैं आपको देना चाहता हूं। मां ने पूछा, मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? इतने में शंकर भगवान तुरंत कहते हैं, इस बच्चे को तुम पाल पोस कर बड़ा करना, बाकी की जवाबदारी मेरी है। तो इतने में बूढ़ी मां बोली, सारी जवाबदारी तेरी है तो तू इधर ले, फिर मुझे काय दे रहा है? नहीं, मां बच्चे को पाल पोस कर बड़ी करती है, दुनिया में केवल एक मां ऐसी होती है जो बच्चे को संस्कारित बनाने का कार्य करती है। पिता कमा कर लाकर दे सकता है, पिता कमाई कर लाकर दे सकता है, पिता अच्छी एजुकेशन दे सकता है, पिता अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, पिता अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, पर घर की मां की जवाबदारी होती है कि बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को ज्ञान देना और बच्चों को विद्वान बनाना, ये घर की माता की जवाबदारी है। पिता धन ला सकता है, दे सकता है, पर जवाबदारी मां की होती है, ये आपकी जवाबदारी है इसको पाल पोस कर बड़ा करना। तो इतने में बूढ़ी मां ने पूछ लिया, तू क्या करेगा? अब इसको ये नहीं मालूम कि ये महादेव है, ये तो भिक्षुक है, तू क्या करेगा? शंकर भगवान बोले, इसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। इतने में बूढ़ी मां ने कहा, मेरे घर में जगह नहीं, छोटा सा झोपड़ा बना कर रह रही हूं, छोटा सा झोपड़ा। अब शिव जी ने कहा, बाकी की जवाबदारी मेरी है, बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने कहा, मैंने कपड़ा धो रही थी, इतना में तू आ गया और कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया, कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया। किसी के ऊपर कपड़े का पानी पड़ जाए तो उसे गुस्सा आता है,
थोड़ा सा भी जल पड़ जाए तो वो क्रोधी हो जाता है। मैंने कपड़े का पानी तुम्हारे ऊपर पटक दिया, तुमको क्रोध नहीं आया? शिव जी बोले, मां एक बूंद भी जल अगर मेरे ऊपर पड़ता है किसी के हाथ का, तो उसका कल्याण मैं तुरंत कर देता हूं, तुरंत। इतने में बुढ़िया नहा के निकली थी वो नदी में से, और कपड़े धोए थे। अब बुढ़िया के बाल भी घाट पे, तुम देखना नदी के घाट पे थोड़ी गर्मी रहती है तो बाल जल्दी सूख जाते, कपड़े जल्दी सूख जाते, जैसे ही पटको थोड़ी देर बाद उसी को पहन लो तुरंत सूख जा। अब बुढ़िया के बाल खुले थे, उसने तुरंत जूड़ा बांधा और जूड़ा बांधते से ही बोली, तू तो इतनी विद्वत्ता जैसी बात कर रहा, विद्वानों जैसी, कौन है, कौन है? मां तू मुझे जान नहीं सकती, ऐसा मुंह पे तूने ये राख माक लपेटी, अभी रुक तेरा मुंडा धुलाती मैं, अभी रुक। और गई नदी में से पानी भर के ले आई काय में। वो माओं के पास में क्या होता कपड़े धोने के लिए, जो बाल्टी बर्तन जो, और लई धोके और जो नदी में से पानी लई ने देवादि देव महादेव पे जो डाला, सारी भस्मी नीचे, भस्मी जैसी नीचे आई, पार्वती जी मुस्काई। इतने में महादेव असली रूप में प्रकट हो गए, असली रूप में प्रकट। जो मेरे देवादिदेव महादेव को देखा, चरणों में पड़ गई, शंभू मैं पहचान नहीं पाई, किस रूप में तू आया, किस रूप में, तेरा स्वरूप क्या है मैं जान नहीं सकती। एक बात आपसे भी कहेंगे, क्यों बुलाया कुबेर भंडारी ने तुमको इतने इतने दूर से, यह हम भी नहीं जानते, पर एक बात जरूर जानते हैं कि वो जिसको बुलाता है, जिसको पकड़ता है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। क्यों बुलाया उसने तुमको यहां, ये हम नहीं जानते। क्यों भिक्षुक बनकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, भिक्षु वर बनकर गया, 19 अवतार में से एक अवतार भिक्षु वर अवतार रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया पहुंचा, और जो जल पड़ा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, शिवजी प्रकट हुए। मां मांग तुझे क्या चाहिए? मां ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन हो गया, बस इतनी कृपा करना, इस बच्चे को मैं पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। पर ये है कौन? उस मां ने पूछा, तुम्हारा क्या रिश्तेदारी है इससे, क्या संबंध है तुम्हारा इससे, क्या संबंध? कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी से तुम्हारा कोई संबंध मम्मद है क्या, कोई रिश्तेदारी है क्या? तो दुनिया के लोग कह देते हैं रिश्तेदारी तो एक ही है, बस वो रिश्तेदारी कोई नहीं जान सकता, वो है जो महादेव का है वो हमारा है, और जो हमारा है वो महादेव का है, इससे बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। शिव पर भरोसा करने वाला इतनी जल्दी टूटता नहीं है, शंकर पर विश्वास करने वाला इतनी जल्दी दिखता नहीं है, बहुत सोचता है शिव पर भरोसा करने वाला। अब मां मांग तुझे क्या चाहिए? बूढ़ी माँ ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब ये पूछना चाहती हूं, मेरे ऊपर बस एक कृपा कर दो, मुझे ये बता दो कि इस बच्चे से तेरा संबंध क्या है, शंकर भगवान से पूछ रही, इस बालक से तुम्हारा संबंध क्या है, इस बच्चे से तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है? शंकर भगवान बोले, इस बच्चे से मेरी रिश्तेदारी नहीं है, पर जो मनुष्य एक लोटा जल मेरे शिवालय में जाकर मुझ पर चढ़ाता है वो मेरा अपना रिश्तेदार 71 पीढ़ी तक बन जाता है। एक पीढ़ी का संबंध नहीं है तुम्हारा। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, पत्थर से गुथा हुआ, कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, कोई टीवी पर सुने, फेसबुक पर सुने, यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला शंकर भगवान की 71 पीढ़ी से जुड़ जाता है, अर्थात आपकी 71 पीढ़ी मेरे महादेव की पीढ़ियों में जुड़ा हुआ है, 71 पीढ़ी आपकी मेरे महादेव से जुड़ी हुई है।
अब ये जल इसके पिता ने चढ़ाया, ये जल इसकी माता ने चढ़ाया, वही जल का फल मुझे देना है, उस जल का फल मुझे देना है। वो इसके पिता ने मेरे मंदिर में सफाई करी है, इसके पिता ने मेरे मंदिर में दीप लगाया है, इसके पिता ने मेरे मंदिर में बैठकर मेरा गुणगान करा है, उस गुणगान को मैं खाली नहीं जाने देता। उसने अपने कर्म का भोग भोगा तो वो मर कर चले गया, अपने कर्म के भोग के कारण उसका वैभव चले गया, उसके कर्म के भोग के कारण उसकी पत्नी चली गई, पर उसके जल चढ़ाने का फल अब मुझे देना है। वो कहे, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, सबसे, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना वो कात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया ये सबसे करी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया ये सबसे करी। उसके बराबर कोई नौकरी नहीं, उसके बराबर कोई फल नहीं। महाराज शिव तत्व को जानो, श्री शिवाय नमस्तु, उस फल को जानो, उसके बराबर क्या नौकरी होगी, उसके बराबर क्या फल होगा। मां चिंता मत करना, इसकी माता पिता ने एक लोटा जल चढ़ाया, सफाई करी, उसका फल दूंगा मैं। क्या फल दोगे? इसके माता पिता तो मर गए, शिव जी ने कहा वो अपने कर्म से गए हैं, कर्म के अनुसार गए हैं, फल देना मेरा काम है। इसके पिता का जो वैभव गया था, इसके पिता की जो राजसत्ता गई थी, वही वैभव वही फल मैं इसको प्रदान करूंगा। और शंकर भगवान ने उस बच्चे को बड़े होते से ही सब दे दिया जो उसका गया था। ये शिव है, ये शिव के जल का महत्व है, ये शंकर के जल का महत्व। सहज नहीं है,